अर्जुन जो है वो वेपन, जो पशुपतास्त्र या जो भी जितने भी वेपन्स हैं, वो अपनी विद्या से और अपने रिसर्च से और अपने तप से अर्जित करके आते हैं। तो इंडिजिनाइजेशन की तो बात है ही इधर। उसके अलावा अगर कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड वेपन है जो आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुद करना है। खाली इंडिजिनाइजेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि आपको खुद उसका रिसर्च, मतलब टॉप डाउन पूरा आपको डिवाइस करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई ऐसा शस्त्र बनाना चाह रहे हैं जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, तो आप उसके कंपोनेंट्स कहीं से आउटसोर्स नहीं कर सकते। ठीक, एक आध पार्ट मैंने चाइना से ले लिया या अमेरिका से ले लिया, ऐसे नहीं कर सकते। आपको फुल प्रूफ इंडिजिनाइज करना पड़ेगा। ये कितने सारे लेसन आपको मिल जाएंगे इंडियन हिस्ट्री में से। तो अच्छा, देखो, वॉर वॉरफेयर स्ट्रेटेजी का एक और बढ़िया एग्जाम्पल है। आप देखते हैं कि भीष्म पितामह जो है और द्रोणाचार्य दोनों धर्म जानते हैं, धर्म क्या है जानते हैं, लेकिन लड़ना पड़ रहा है उनको किसके साथ, किसके साथ लड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अलायंस सिस्टम का जो इतना डिटेलिंग दिया गया है कि अगर आपको स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाने हैं, तो आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस ऐसे होने चाहिए कि डिस्पाइट द कंट्री हैविंग सम यू नो अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, स्टिल दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू। तो इसका पॉजिटिव इंटेंट से इस तरह से बहुत सारी डिप्लोमेटिक और वॉरफेयर की स्ट्रेटेजीज आप एंशियंट इंडिया के स्क्रिप्चर्स में से बना सकते हैं। मतलब पूरा कुआ है, मतलब पूरा एक ओशन है, पूरा ओशन है, आप उसमें से जितना विजडम निकालना चाहें निकाल सकते हैं। न्याय का जो, न्याय की जो व्यवस्था थी वो एंशियंट इंडिया में लर्निंग एबिलिटी के ऊपर थी। मतलब अगर एक पूरा, ये तो आई थिंक वो सीरियल में भी दिखाया गया है, अच्छे से, बहुत अच्छे से वर्णन दिया है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज जो जब न्याय सुनाते हैं, तो वो बताते हैं कि अगर सेम क्राइम हुआ है तो ब्राह्मण जो है उसको 8 गुना ज्यादा दंड दिया जाएगा कंपेयर टू अ वैश्य और अ शूद्र। इसका क्लियर क्लियर वर्णन है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति बहुत ज्यादा है। ना सिर्फ वो सबको ज्ञान देते हैं, बट उनकी खुद की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो सोसाइटी में ज्यादा है मेंटली। तो सोसाइटी में न्याय व्यवस्था जो होती है वो कभी इक्वालिटी नहीं होती। न्याय व्यवस्था इस तरह से होती है कि जो कम लर्निंग कैपेसिटी वाला पर्सन है उसको इंसेंटिव मिले कि वो अपनी लर्निंग बढ़ाए, सुधरे। ठीक, तो वेस्टर्न प्रणाली जो है जस्टिस की, वो बात करती है इक्वालिटी की। और कैसी इक्वालिटी? यहाँ पे बात हो रही है पेनल्टी की। और कैसी पेनल्टी? कि अगर आज मैं बिना हेलमेट के व्हीकल चलाता हूं तो मुझे फाइन जो होना है 500 रुपीज, से फॉर एग्जाम्पल। तो कोई गरीब आदमी बिना हेलमेट के जा रहा है, उसको भी 500 रुपीज। अच्छा, कोई मुझसे भी ज्यादा, अगर मुकेश अंबानी खुद जा रहे हैं विदाउट हेलमेट, तो उनको भी 500 रुपीज। तो बेसिकली हम द वेस्टर्न थीम ऑफ जस्टिस इज यू परचेज द क्राइम, यू कैन परचेज द क्राइम इफ यू आर रिच, दिस इज द वेस्टर्न मेथड ऑफ जस्टिस। तो आप जो बता रहे हैं कि सारे केसेस पेंडिंग है, न्याय नहीं मिल रहा है, ये गरीबों के लिए, जो पैसे वाले हैं दे कैन परचेज द क्राइम, दैट इज द सिस्टम। तो अमेरिका इज नॉट द लैंड ऑफ फ्रीडम, इट इज द लैंड वेर यू कैन बाई फ्रीडम टू डू एनीथिंग यू वॉन्ट। सो इफ यू हैव मनी यू कैन बाई द क्राइम। तो ये पूरा वेस्टर्न टेम्पलेट ऑफ जस्टिस ऐसे चलता है। तो इंडिया का ऐसे नहीं चल रहा था। तो एंशियंट इंडिया में बताया गया है कि जिसने क्राइम किया है उसकी मेंटल लर्निंग कैपेसिटी, इकोनॉमिक कैपेसिटी क्या है, उस प्रकार से उसको न्याय मिलेगा। ठीक, तो जो जो पैसे वाला है क्रिमिनल, तो उसको भी वही दंड मिलेगा क्या?
कंपेयर टू सेम क्राइम डन बाय समवन एल्स? नहीं, सेम नहीं मिलेगा। तो बहुत ही बड़ा अंतर ये जस्टिस सिस्टम जो है, इसमें कोई सिर पैर नहीं है जो चल रहा है अभी। ये तो बहुत ही क्लियर है कि ये जो पूरा इक्वालिटी का लेफ्टिस्ट वोकिस नरेटिव चलता है कि एजुकेशन शुड, जो अभी हम देखते हैं एजुकेशन इज फ्री फॉर ऑल, सबको मिल जाना चाहिए, ये आप बेसिक एजुकेशन तक बात कर रहे हैं, ठीक है। कल को कोई बोलेगा कि टेनिस प्लेयर बोलेगा कि मेरे को ऑपरेशन थिएटर में जाने दो और आई विल डू द ऑपरेशन, तो ऐसे नहीं होता है। तो हर एक चीज के लिए एक पात्रता जिसकी बात होती है, तो एक एक चीज होती है कि आपके पास स्किल है, लेकिन स्किल के साथ विवेक का भी होना चाहिए, तो दोनों होना चाहिए। आपको कोई भी विद्या आपको ऐसे ही नहीं दी जा सकती। तो एक पूरा लेफ्टिस्ट मैं नरेटिव बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि कैसे बताया जाता है कि पंडित और जो ब्राह्मण थे वो विद्या किसी को देते नहीं थे, पास ऑन नहीं करते थे। भाई आपको ये देखना है कि सामने वाले की पात्रता थी भी क्या वो विद्या प्राप्त करने के लिए, या उसका सही उपयोग करने के लिए। और उसके अलावा आप ये भी तो देखिए कि जब जब कभी कोई भी सिविलाइजेशन पे इन्वेडर्स का अटैक होता है, तो जो भी कम्युनिटी है, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये विद्या को कंटिन्यू करने की, स्पेसिफिक विद्या, तो वो एनवायरनमेंट में जहां पे आपके ऊपर इन्वेजन्स हो रहे हैं, तो बिल्कुल ज्यादा ये क्लैरिटी के साथ जांचा परखा जाएगा कि विद्या गलत हाथ में ना चली जाए। बिकॉज एक जो फिजिकल सिक्योरिटी चली जाती है जब, तो आपका पूरा जो एजुकेशन का सेटअप है वो बिगड़ गया, जो हमने देखा हिस्टोरिकल इंडिया में इन्वेडर्स आने के बाद, इस्लामिक रूल, ब्रिटिश रूल, इन सब पे। तो ये जो आरोप लगता है कि एक एक वर्ग को या दो वर्ग, दो तीन वर्ग या उनके सेक्शंस को कभी भी नॉलेज का एक्सेस नहीं दिया गया, नॉलेज का एक्सेस दिया जाना वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च हो रहा है, उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस हाथ में जाके क्या उपयोग हो सकता है? अच्छा उपयोग हो सकता है और नेगेटिव भी उपयोग हो सकता है, ठीक। तो जब कोई सोसाइटी आक्रमण झेल रही होती है, तब ऐसी विद्याएं जो नाश कर सकती है, तो ऐसी विद्याओं को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए हो सकता है किसी कालखंड में ना एक्सेस दिया गया हो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, क्योंकि जो जैसे मैंने बताया कि पात्रता और वो विद्या को कंटिन्यू करने की उसके प्योरेस्ट फॉर्म में कितनी कैपेसिटी है उसके बेस पे होगा। और ये तो आज आज के मॉडर्न इंस्टीट्यूशन का आप एग्जाम्पल ले लें, कहीं भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होती है क्या? आपको ऐसे ही कोई भी क्लास में जाके आप बैठ सकते हैं क्या?